भारत माता की। ये उत्साह, ये उमंग, मैं दुर्ग में कई बार आया हूं लेकिन ऐसा माहौल आज पहली बार देख रहा हूं। आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है, भाजपा आवत है, अब की बार। मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहां के युवा, यहां के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है, इसलिए 30% सरकार से
छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है।
जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना केसेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी, आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के झूठे वायदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बनाकर के ही रखा। इसलिए भारत का गरीब आत्मविश्वास खो रहा था, निराशा के ढेर में दबा जा रहा था। कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेठों के लिए है। गरीब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। इसलिए कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती, उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता। और इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। मेरे भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है। वो जो गरीबी में जिंदगी जिए हैं, उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए। हमने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई, हर गरीब अपनी गरीबी का
उस गरीबी को खात्मा करने का, उस गरीबी को पराजित करने का सबसे बड़ा सिपाही बन करके मोदी का साथी बन गया। भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य से काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है। हमारे सेवा काल में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो आज मोदी को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीबों की ये एकजुटता, आज गरीब एकजुट हो रहा है, गरीब नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है और गरीब तय करके बैठा है कि वो अपने संतानों के पास गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए गरीबी की लड़ाई में गरीबी को परास्त करने के लिए आज गरीब एकजुट हो रहा है, गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना, गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब, तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई, अगर एक ताकत बन गई, तो ये आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खेल खेले हैं। अब गरीब को भी बांटना, गरीब की एकता को तोड़ना, गरीब के सपनों को विच्छित कर देना, गरीब को ही आपस में लड़ा लेना, एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीतिक दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है, हमें मिलकर गरीबी को परास्त करना है। मेरे परिवारजनों, आत्मविश्वास से भरे हुए गरीब से, स्वाभिमान से भरे हुए गरीब से कांग्रेस नफरत करती है। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब हाथ फैलाए, उसके सामने खड़ा रहे, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार गरीब के लिए जो भी काम शुरू करती है, यहां की कांग्रेस सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। आप देखिए, पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। इन घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार
पिछले 5 साल से ठान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर वो नहीं बनाने देंगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने पिछले 5 साल से कांग्रेस का अन्याय झेला है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को झेला है, कांग्रेस के भाई भतीजावाद को झेला है, अब मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों मुझ पे भरोसा करो। अब सिर्फ 30 दिन बाकी है, सिर्फ 30 दिन बाकी है, फिर आपको ये मुसीबत से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे। गरीब को शौचालय देने का काम हो, हमारी गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे हर काम में तेजी ला जाएगी। और ये छत्तीसगढ़ के हमारी बहनों बेटियों को मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्तों, ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलकता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देते हैं।
पवित्र निश्चय करने की ताकत देती है और 80 करोड़ गरीबें उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आप मेरे आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, ये चुनावी सभा नहीं है, वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक और बात कहूंगा, यहां के अनेक साथी काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बाहर जाते हैं। भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी है। पहले कार्ड होता था ना, एक दुकान से दूसरी दुकान में भी जाए तो घुसने नहीं देता था, वो कहता था इधर का नहीं है उधर जाओ, वो कहता था उधर तो खाली हो गया तो बोले यहां मैं नहीं मिल सकता। ये जमाना था, ये मोदी का जमाना देखिए। आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाइए, आपका छत्तीसगढ़ का कार्ड दिखाएंगे ना, मोदी का गारंटी कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको भूखा नहीं रहने देगा। मेरे भाइयों बहनों, भाजपा सरकार आपके इलाज की भी चिंता कर रही है। अगर गरीब गरीबी से बाहर निकल चुका है, आ रहा है, और घर में एक बीमारी आ जाए तो फिर बेचारा 5 साल 7 पीछे चला जाता है, फिर गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। मैं मेरे गरीब को वापिस फिर से गरीबी में लौटने नहीं देना चाहता। और इसलिए मैंने तय किया कि बीमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा, मोदी उठाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हमने दी है। 5 लाख रुपए तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। भाइयों, यहां का मेरा कोई भाई बहन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर किसी काम से वो दिल्ली गया है, कोलकाता गया है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया है, अयोध्या में प्रभु राम जी के दर्शन करने गया है, और कहीं कुछ हो गया, बीमारी हो गई, तो ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहां का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा और मोदी उसकी चिंता करेगा। लेकिन मेरे साथियों, गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला है। ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई 100 रुपये में मिलती है ना, वो 10 रुपये में मिल जाती है। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है, वो दवाई किस जगह पे 20 में मिल जाती है। इतना गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताले लगा दिए। 100 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहां के कांग्रेस ने बंद करवा दिए। गरीबों से इतनी नफरत करती है कांग्रेस। मेरे परिवारजनों, मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना, जो गारंटी पूरी कर रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे मेहनतकश मजदूर, हमारे समाज के वंचित लोग हैं। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने, जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है, उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया।
ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री, एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को, मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को यह बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी है तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गोलियां गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया, कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल होने जा रहे हैं। अब अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले साल छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य निर्धारित करेंगे। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 10 समृद्ध राज्यों में लाने का एक ठोस रोड मैप है। कांग्रेस ने दशकों तक केंद्र में सरकार चलाई लेकिन छत्तीसगढ़ में कारखानों का विस्तार नहीं किया। आपने मोदी को अवसर दिया तो भिलाई के कारखाने का विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ। बस्तर में भी दुनिया के आधुनिकतम स्टील कारखानों में से एक लोकार्पण हमने करके दिखाया। कारखानों के लिए जरूरी रेल रोड, इसकी सुविधा बीते 9 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व विस्तार किया है। हमने दिल्ली राजहरा से ताड़ों की तक की रेल लाइन का काम पूरा किया। जल्द ये लाइन रावगाड़ तक भी पूरी की जाएगी। ये पूरी योजना दिल्ली राजहरा नगर को नया जीवन मिलेगा। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए 20 गुना ज्यादा बजट मिला है। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के काम के लिए भी 15 गुना ज्यादा बजट मिलता है। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर हो, रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर हो, इससे यहां के औद्योगिक विकास में नई तेजी आने वाली है। साथियों, आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जो भी धान उगाते हैं उसका दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है। केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए हैं, जबकि कांग्रेस यहां सिर्फ झूठ बोलती है। अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने दान किसानों से जो वादा किया है उसे सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में वन उपजों से समृद्धि लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार बंधन योजना भी चला रही है। तेंदुपत्ता सहित हर वन उपज के अधिक से अधिक दाम आपको मिले, ये भी भाजपा का आपसे वादा है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ को एक ईमानदार और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार की जरूरत है।
जहां हिंसा और अपराध चरम पर होते हैं वहां विकास नहीं होता। कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही। आखिर मलकत सिंह का क्या गुनाह था? आखिर ईश्वर साहू जी के बेटे का क्या गुनाह था? हम ऐसी अंधेरगर्दी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना है। आप देखिए कितना दर्द है चेहरे पर। हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यह हमारी गारंटी है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमल के फूल पर आपका जो वोट पड़ेगा ना, वो मोदी को भी मजबूत करेगा। भाजपा के हर उम्मीदवार को, हर बूथ पर मिली बढ़त को उसे मुझे ताकत देगी। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, घर घर जाना है, हर पोलिंग बूथ पे जाना है, मोदी का संदेश घर घर पहुंचाना है। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? एकदम पीछे जो ये तंबू के भी बाहर खड़े हैं वो भी बताएं, मेरा एक काम करोगे? करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये पॉलिटिकल काम मैं नहीं बताऊंगा आपको, मेरा अपना निजी काम है। करोगे? पक्का करोगे? आप घर घर जाइए और घर में जाकर के जो बुजुर्ग हो, बड़े लोग हो, उनको कहिए कि अपने मोदी जी दुर्ग आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, उन्होंने आपको जोहार कहा है। करेंगे? मेरा नमस्कार घर घर पहुंचाएंगे? मेरा जोहार पहुंचाएंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।